आप सभी को नमस्कार। आज हम भारत की नदियों से संबंधित जो प्रश्न हमारे शेष बच गए थे उसको आज पूरा कर लेते हैं। इससे पहले हमने भारत की नदियों से संबंधित दो वीडियो बनाए थे और जो शेष भाग रह गया था उसके प्रश्न आज देख लेते हैं कि भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई शारदा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है या क्या कहा जाता है? काली या चाईक नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, उस नदी का नाम है महानंदा, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से कहाँ जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से कहाँ जाना जाता है या कहाँ पुकारा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से तिब्बत में पुकारा जाता है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, दिबांग या सिकांग और लोहित नदियां किसकी सहायक है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, दिहांग से दिबांग, लोहित, कैनुला आदि नदियां मिलकर असम में किस नदी के नाम से जानी जाती है? ये दिहांग से दिबांग, लोहित, कैनुला आदि नदियां मिलती हैं, असम में किस नदी के नाम से उन्हें जाना जाना जाता है, क्या नाम है? तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसे जानते हैं और जिसमें ये सारी जो नदियां सहायक नदियां ये मिलती हैं असम में, और वहाँ से इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? चार नदियों के नाम दे दे, इसलिए मैंने लगाया निम्नलिखित या निम्न में से। तो किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है या जमुना कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं समुद्र में गिरने से पहले, तो इसकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं बांग्लादेश में, तो इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो मेघना के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये आप सब लोग जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा है, क्योंकि इस डेल्टा ये भाग में सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी अधिकता है और उसी के नाम से सुंदरवन डेल्टा पड़ा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय अपातंत्र की कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, वो भी प्रायद्वीप की हैं? तो दो नदियाँ मुख्य रूप से वो हैं नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती हैं। नर्मदा का उद्गम स्थल है,
नर्मदा का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट से होता है। निम्न में से कौन सी नदियां जवार नदमुख का निर्माण करती हैं या बनाती हैं, या जवार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो ये दो मुख्य नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती। नेक्स्ट है, धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है और जबलपुर के निकट स्थित है। नेक्स्ट है, तापी का जो उद्गम है कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश बैतूल जिले में, तो सतपुड़ा श्रेणी में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, वो है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से, यानी पश्चिमी घाट ढालों से इसका उद्गम होता है। और स्थान अगर पूछा जाता है तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से गोदावरी का उद्गम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों में किस नदी का अपातंत्र सबसे बड़ा है? तो प्रायद्वीपीय नदियों में भी सबसे बड़ा जो अपातंत्र रखती है वो है गोदावरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न कि पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, और इन सारी सहायक नदियों को एक साथ लिया गया है, किसी का भी नाम दे करके पूछा जा सकता है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहने वाली कौन सी नदी है? सतपुड़ा और विंध्याचल जो श्रेणियां हैं उनके मध्य से कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, वैतरणी या वैतरणा नदी का उद्गम है? वैतरणी या वैतरणा नदी का उद्गम है, ये नासिक जिले में जो त्रिभंग पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है, मांडवी और जुवारी नदियाँ कहाँ की हैं? मांडवी और जुवारी नदियाँ कहाँ की हैं? तो गोवा की हैं ये मुख्य नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, केरल की सबसे बड़ी नदी है वो है भरतपूझा, इसका दूसरा नाम है पोन्नानी, और जो अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है कि केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार है। पाम्बा नदी कहाँ की है? केरल की है। नेक्स्ट है, वेम्बानाद झील में गिरने वाली नदी है, वेम्बानाद झील में गिरने वाली नदी है, तो वह है पांबा नदी। नेक्स्ट है कि पूरब दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, पूरब दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, तो यह है कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है सह्याद्री में, महाबलेश्वर के निकट से होता है। नेक्स्ट है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, कावेरी का उद्गम होता है कहाँ से होता है? कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियां हैं वहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। काबिनी, भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? काबिनी, भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं।
नेक्स्ट है, अरावली के पश्चिम में किस नदी का राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र है? तो यह है लूनी नदी का है। नेक्स्ट है, ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, महानदी का उद्गम स्थल है या महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश अमरकंटक के दक्षिण में सिंगुआ क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, महाभारत में किस नदी को रेवा कहा गया था? महाभारत में किस नदी को रेवा कहा गया था? तो नर्मदा नदी को रेवा कहा गया था। तो ये जो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो आपका सिलेबस है उसमें जो भारत की नदियों के बारे में दिया हुआ था, तो उससे संबंधित जो मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा अगर आपको भूगोल से संबंधित कोई टॉपिक पर बात करनी हो, वीडियो बनाना, तो आप कमेंट लिख करके भेज सकते हैं। जो सहायता मेरे से होगी बिल्कुल तैयार हूँ और आपकी सहायता के लिए ही हैं। आप पढ़िए, जितने पढ़ोगे उतने आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भारत की मिट्टियों को लेकर के, मृदा को लेकर के होगा। उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, कहाँ कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप लगातार ये वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।